रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां नकली नोटों को चलाते हुए दो व्यक्ति पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि ईदगाह के मेले में दो व्यक्ति नकली नोट चला रहे थे और मुखबिर की सूचना पर सदर बाजार पुलिस का सर्विलांस टीम ने छापा मारकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लगभग 26,000 रूपए उनके पास से बरामद किए गए हैं, जो कि जाली नोट थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में थाना सदर बाजार पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गिरफ्तार किए गए सदस्यों के पास से 82 नकली नोट, एक वैगनआर कार, एटीएम कार्ड, ब्लैंक चेक, पैन कार्ड, मोबाइल आदि सामान बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस ने ईदगाह मेले में दो युवकों द्वारा नकली नोट चलाने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान के सीकर के रहने वाले दो साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने बताया कि वे जनपद सीकर के श्री माधोपुर कस्बा के रहने वाले हैं तथा उनका नाम लोकेश कुमार सैनी व मुकेश कुमार मंगवा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 26,300 रुपये के जाली नोट बरामद किए गए हैं। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो शाहजहांपुर। कल देर रात मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार और सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में हद्दब क्षेत्र के एक मेले से दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जो मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके नाम मुकेश और लोकेश हैं, जो जनपद सीकर के हैं। इनके पास जाली मुद्रा, भारतीय मुद्रा होने की सूचना थी। इस पर जब गिरफ्तारी हुई तो इनके कब्जे से 26,300 वैल्यू के जाली नोट बरामद हुए हैं, जिनमें 49 नोट 200 डिनोमिनेशन के हैं और 33 नोट 500 डिनोमिनेशन के हैं। इनसे पूछताछ किए जाने पर इन्होंने बताया कि वहाँ सीकर के ही एक व्यक्ति से ये लाते हैं और उससे निरंतर संपर्क में भी हैं, और यहाँ पर वो इस मेले में चलाने के लिए आए थे। साथ में उनका कोई परिचित भी था यहाँ, जिससे मिलने भी आए थे। इन ये एक वैगनआर गाड़ी से आए थे, जो बरामद हुई है। इनके अलावा ATM कार्ड्स और आधार और ये बरामद हुए हैं। इनसे गहनता से पूछताछ की गई है और उस पर जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर कठिन कार्रवाई की जा रही है। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सदर बाजार में संकट धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर